अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे कि हम लोग इंस्टाग्राम पर अपने पेज को या इंस्टाग्राम के अकाउंट को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने अपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर यहाँ पर आपने लिखना है इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये इंस्टॉल होने में, ठीक है। ठीक है, अभी आपका इंस्टाग्राम बन चुका है, आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अगर तो आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपने नया अकाउंट बनाना है, साइन अप करना है। इधर आप अपने फोन नंबर से भी साइन अप कर सकते हैं और अपने ईमेल से। मैं ईमेल से साइन अप करता हूँ, ठीक है, इसको नेक्स्ट करता हूँ। ये कह रहा है ये पहले से है, हम कोई और लगाते हैं, ये भी है, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ न्यू अकाउंट बनाओ, ठीक है। अच्छा मैंने बनाया हुआ, ठीक है, आपने न्यू अकाउंट बनाना है तो वहां पे अपना आपने यूजर नेम देना है जो भी आपने बनाना है, ठीक है। मैंने एक टॉप रिव्यूज एनीथिंग के नाम से पेज बनाया था, तो ये मुझे कह रहा है आपका पहले इस पर बना हुआ, आप इसी को कंटिन्यू करना चाहोगे। मैं कहता हूँ ठीक है यस। अगर आप चूंकि नया बना रहे हैं तो आपने यहाँ पे अपना वो नाम देना है, ठीक है। मैं आपको इधर एक दफा नया बना, ठीक है, ये देखें मैं फोन नंबर फॉर एग्जांपल बनाता हूँ, तो ये मेरे फोन नंबर पे कोड भेजेगा, वेरीफाई ऑटोमेटिक, क्योंकि ये इसी मोबाइल में है। अब यहाँ पे मुझे कहेगा अपना फुल नेम रखें जो आपने रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ज्वेलरी के नाम से अपना कोई स्टोर बनाना चाहता हूँ, तो मैं इधर लिखता हूँ ज्वेल्स मार्ट, ठीक है, और पासवर्ड आप जो भी रखेंगे, ठीक है, कॉन्टिन्यू विदाउट सिंक करें। अब इसको नेक्स्ट करें, स्किप करें। यहाँ आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, वो आप जो भी लगाना चाहें अपने स्टोर के मुताबिक आपने लगानी है। इसको स्किप करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट बन चुका है, ठीक है। अब ये आपका डैशबोर्ड है, अभी इस वक्त कुछ भी नहीं यहाँ पे शो होगा, जब आप कुछ पेज को फॉलो करेंगे तो वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पेज को फॉलो करना लाजमी है, उसके बाद यहाँ पे आपका पोस्ट आना शुरू होंगे। तो ये सबसे नीचे वाला जो है ना आइकन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट आ जाएगा। ये देखें मैंने ज्वेल स्मार्ट के नाम से बनाया, ये मेरा ज्वेल स्मार्ट के नाम से मेरा पेज जो है प्रोफाइल बन गई है, ठीक है। यहाँ पे आप इधर से लोगो लगा सकते हैं, जो ये वाला जो सर्कल है यहाँ पे, ये जो जीरो है, जीरो पोस्ट है, इस वक्त आपके जीरो फॉलोअर है और जीरो फॉलोइंग है। फॉलोअर्स वो होते हैं जो लोग आपके अकाउंट को फॉलो करेंगे, ठीक है, वो फॉलोअर्स होंगे। फॉलोइंग वो होगी जिनको आप फॉलो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो नाम यूजर नेम रखना है वो अपने जो आपका स्टोर है, ये जो आपका ब्रांड नेम है उसके मुताबिक रखना है, ठीक है। मैंने चूंकि ज्वेल स्मार्ट एज अ डमी रखा है तो आपने इसको डमी ही कंसीडर करना है, अगर एज अ एग्जाम्पल कंसीडर करना है तो आप लोग अपनी मर्जी से अपना अकाउंट बना सकते हैं, जो भी आप नाम रखना चाहें। उसके बाद आपने सवाल यह है कि इधर मार्केटिंग कैसे करनी है, तो मार्केटिंग के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल पे जाना है, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाके यहाँ से आप अपना यूजर नेम भी चेंज कर सकते हैं जो आप रखना चाहें। ये यूजर नेम होता है जो ऊपर शो होता है, और ये जो ऊपर वाला है ये आपका नेम होता है, और ये यूजर नेम होता है। नेम और चीज है, यूजर नेम और चीज है, ठीक है। जब कोई आपको सर्च करेगा ना इंस्टाग्राम पे तो वो ज्वेल स्मार्ट 8 लिखेगा तो आपकी प्रोफाइल आ जाएगी, ज्वेल स्मार्ट लिखेगा तब भी प्रोफाइल आ जाएगी, ठीक है। तो एडिट करते हैं, अगर आपकी वेबसाइट है तो यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट दे देनी है www.topreviewsanything.com, ठीक हो गया। उसके बाद बायो में आपने बताना है कि आपका स्टोर जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, या आप इस पे आप अपने अकाउंट पे क्या सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ सेल
स्टोर ठीक है। मैंने एग्जांपल एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी है, बायो लिख दिया है कि हम यहाँ पे ये ऑनलाइन स्टोर है, शॉपिंग स्टोर है, जो है ज्वेलरी बाय यहाँ से आप कर सकते हैं। मैंने एक एज एग्जांपल इधर लिखी है, आप इधर अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि हमारे जो ऑनलाइन स्टोर है ये इस वक्त से स्टैब्लिश्ड है, हम यहाँ पे आप ये चीज़ें परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और इस पर लिखना है कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लिंक बिलो अबव, ठीक है। और ये नीचे आपका फोन नंबर वगैरह ये सारे कुछ आ रहा है, यहाँ से आप जेंडर सेट कर सकते हैं, मेल फीमेल नॉट स्पेसिफाइड जो भी है, आप इसको ओके करेंगे तो ये आपके स्टोर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जो आपने डिस्क्रिप्शन डाली है ना, ये इस डिस्क्रिप्शन के ऊपर यहाँ पर आपने इधर से ये ऐड कर देना, ठीक है। इसको सेव करें, अब ये देखें, अब जब ये आप एरो ऐड करेंगे ना तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ इशारा करेगा कि जो आपका लिंक है। अब जो भी बंदा आपके स्टोर पे आएगा ना, ये पेज पे आएगा, आपके प्रोडक्ट देखेगा, प्रोडक्ट देखने के बाद वो इस लिंक पे क्लिक करेगा, जैसे लिंक पे क्लिक करेगा सीधा आपकी साइट खुल जाएगी, ठीक है। अभी मैं इसको बैक करता हूँ। अभी तो क्वेश्चन ये है कि हमने जो है वो इस पे पोस्टिंग कैसे करनी है और दूसरी प्रोडक्ट कैसे देखनी है जो हमारे अकाउंट से रिलेटेड या हमारी फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है, इधर आपने लिखना है ज्वेलरी, इसको आप नोट लाओ कर दें, इधर लिखें ये कुछ अकाउंट्स आ गए हैं, ठीक है। ये ज्वेल इसको फॉलो कर लें, इसके बाद ठीक है, इस तरह के अकाउंट्स आपने फॉलो कर लेने हैं जो ज्वेलरी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जब मैं इनको फॉलो कर लूंगा ना, अपने होम पे जाता हूँ, यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश कर दिया, देखें अब यहाँ पे इनकी, अब ये जो घड़ियां और जो चीजें सेल कर रहे हैं ना वो मेरे पास यहाँ पे आना शुरू हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब ये जो प्रोडक्ट ये शेयर कर रहे हैं ना, इस तरीके से आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट शेयर करना स्टार्ट करनी है। कैसे करनी है कि इनकी डिस्क्रिप्शन आपने देखना है, ये डिस्क्रिप्शन कैसे लिख रहे हैं, ये देखें, लेफ्ट और राइट विच वॉच कुड यू कॉप कमेंट बिलो, कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। इनमें से आपको कौन से चाहिए नीचे कमेंट में देखें या कमेंट पे क्लिक करें। इस तरह से आपने अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख के उसके साथ अपने प्रोडक्ट अपलोड करने में, एक अपलोड करके दिखाता हूँ आपको, प्लस पे क्लिक करना है, इसको अलाउ कर लेंगे। ये एक इयर रिंग मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। इधर से मुझे कहेगा कलर कॉम्बिनेशन कोई चूज कर लो, मैं कहता हूँ नहीं, जो डिफॉल्ट है वही ठीक है, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, अब यहाँ पे आ जाएगा, इधर यहाँ पे अब आपने अच्छी सी डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं बाय get yours now, ठीक है, limited limited offer 20% ऑफ, ठीक है। बाय एयरिंग्स, ठीक है। बाय एयरिंग्स, गेट योर्स नाउ लिमिटेड ऑफ लिमिटेड टाइम ऑफर, लिमिटेड ऑफर या लिमिटेड टाइम ऑफर लिख दें, 20% ऑफ, ठीक है। यहां पे लिख दें हरी अप, ठीक हो गया। अब इधर आपने क्या करना है, यहां पे आपने थोड़ी सी ना इमोजीज डाल देनी है ऐसे करके, और ठीक है,
इसी तरह आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लें, नीचे पेस्ट कर दें, ठीक हो गया। और यहाँ पे आप अब आपने इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पे अब आपने हैशटैग डालना है, ठीक है। इधर हैश एयररिंग्स, ठीक है, हैश ऑफ द डे, ठीक है, ये देखें एयररिंग स्टाइल, ज्वेलरी, ठीक है। इस तरह से आपने ना कम से कम 10 से 12 हैशटैग डालने और आपने इसको शेयर कर देना है। अब ये आपके अकाउंट पे शेयर हो चुकी है, ठीक है। ये देखें अब इस तरीके से शो होगी, जब कोई देखेगा तो बाय एयरिंग्स ऑनलाइन गेट योर नाउ लिमिटेड टाइम ऑफर 20% ऑफ हरी अप। अब जब किसी ने बाय करनी है ना, अच्छा आपने इसमें एक और काम करना है, ये जो आपने लिखा है ना टाइम लिमिटेड टाइम ऑफर 20% ऑफ, इसके नीचे आपने लिख लेना है लिंक इन बायो, ठीक है। जिस तरह ये आपने हरी अप लिखा है ना बड़ा सा करके, इसके आगे लिख देना लिंक इन बायो, और लिंक के इन बायो इसके आगे पीछे ना ये एरो के निशान लगा देने आपने, राइट एरो और लेफ्ट एरो इस तरह से निशान लगा देने, ताकि वो एक प्रोमिनेंट हो जाए जो आपने लिखा है लिंक इन बायो। तो जिसने बाय करना होगा वो क्या करेगा, सीधा आपके अकाउंट में जाएगा, ये ऊपर लिंक शो हो रहा है, इधर से क्लिक करके आपके स्टोर पर जाकर वहां से आपके प्रोडक्ट बाय कर लेगा। तो इस तरीके से आपने डेली कम से कम 5 से 6 पोस्टें लाजमी करनी है, ताकि आपका अकाउंट चलना स्टार्ट हो और उसके ऊपर फॉलोअर्स आना स्टार्ट हो, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने पोस्ट किया, अभी इसके ऊपर कोई इतनी रीच नहीं गई है, ना कोई लाइक वगैरह हुए, तो जैसे जैसे ये रीच होती जाएगी आप तक, आपको ये चीजें शो होती जाएंगी, ठीक है। अभी ये देखें मैंने यहाँ पे 4 अकाउंट को फॉलो किया था, देखें इधर फॉलोइंग 4 आ रहा है, अभी मुझे किसी ने फॉलो नहीं किया तो फॉलोअर मेरा 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये था, इस तरीके से आप अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बना के अपना पेज बना के उसको प्रमोट कर सकते हैं दूसरों के अकाउंट से, आपने देखना है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, जैसे वो काम कर रहे हैं वैसे आपने काम करना है, ठीक है। और आप उनके हैशटैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये हैशटैग है, आप इन हैशटैग को देख ले, लिख ले कहीं पे, इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इन हैशटैग को आप अपने अकाउंट में इस्तेमाल करें, क्योंकि जब लोग यहाँ पे सर्च करते हैं ना, जब सर्च करते हैं वो हैशटैग सर्च करते हैं, उसी हैशटैग के अगेंस्ट हमारी पोस्ट आती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, दो में